टीपू सुल्तान की जयंती भाई जिंदा रहने तक करने दूंगा, गाड़ दूंगा। अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, अभी खुले हुए हैं। शरणु जी को ये चैलेंज करता हूं, मैं ये जयंती मैं खुद करने वाला हूं। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो रोक के दिखाना। टीपू सुल्तान जी ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े, उन्होंने देश के लिए लड़े। ऐसे महापुरुषों का सम्मान नहीं होगा, ऐसे महापुरुषों की जयंती नहीं होगी तो किसकी जयंती होगी। सबसे पहले मैं बसो कल्याण धरती मां को नमन करता हूं। आज इस प्रेस मीट जो मैंने बुलाया, यहां के एक्स एमएलए शरणु सलगर जी का एक स्टेटमेंट मैंने सुना, यहां की पता किया तो पुणे में उन्होंने कुछ सभा लेके भाषण कर रहे थे वहां पे। वो भाषण में बोल रहे हैं कि हम बसो कल्याण में सिर्फ महात्मा बसवेश्वर जी की और शिवाजी महाराज की पूजा होगी। ये 12वीं सदी में महात्मा बसवेश्वर जी ने यहाँ पे कार्य किया है, ये शरण का धरती है। उन्होंने सबसे पहले सेक्युलरिज्म पे काम किया है, तो क्यों धब्बा लगा रहे हमारे इस बसो कल्याण धरती को। इस मीडिया के माध्यम से मैं शरणु जी को यह पूछना चाहता हूं, क्या खाली दो ही लोगों के यहां पे आप पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे? महात्मा बसवेश्वर जी हमको तो सब गौरवान्वित है, शिवाजी महाराज भी गौरवान्वित है, लेकिन आप क्या हमारे महर्षि वाल्मीकि जी का पूजा करने नहीं देंगे, महात्मा भुवनेश्वर का पूजा करने नहीं देंगे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को का पूजा करने नहीं देंगे? किस उद्देश्य से आप बोल रहे हैं? और आप तो बोल रहे हैं आगे चल के टीपू सुल्तान की जयंती भाई जिंदा रहने तक करने दूंगा, गाड़ दूंगा मैं यहाँ पे। अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, अभी खुले हुए। जेडीएस का एमएलए का कैंडिडेट बना हूं मैं, क्या समझते हैं आपका? हम सेक्युलर माइंड लेके चलने वाले हैं। मैं खुद हिंदू धर्म का बैकबोन हूं। रामायण जैसा ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, वैसे खोबे मैंने पैदा हुआ हूं। तुम क्या सिखाते हमको हिंदुज्म? तो मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, इसके पहले भी मैंने स्टेटमेंट दिया था, देखिए हमारे अमन शांति यहाँ की खराब मत करो, हमारा भाईचारा इतना है बसो कल्याण में, हर बिजनेस में एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। क्यों हमारे अंदर तुम दरार? तुम्हारे राजनीति के लिए तो ये राजनीति करना है तो हमारे इस बसो कल्याण धरती पे करते, आप करना है तो तुम्हारे गुलबर्गा में जाके करो। बाहर से आते हैं तुम्हारे को हमारे धरती के लोगों में आपस में लड़ा देने का, इसका मतलब तुमको कुछ दुख दर्द नहीं है। हम आपस में लड़ेंगे और हमारे वोट का बंटवारा होके तुम वापस सियासत लेने का सोच रहे, तो ये कभी होने नहीं दूंगा मैं। और मैं बसो कल्याण को जनता को, खास करके मैं हिंदू भाइयों को मैं विशेष आह्वान करता हूं, देखो भाइयों, हमारे को हिंदू बोल के दरार पैदा करने की कोशिश ये कर रहे हैं और केवल उनके राजनीति के लिए कर रहे हैं। और बाकी जो सेक्युलर को मानने वाले लोग हैं, अरे टीपू सुल्तान जी ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े, उन्होंने देश के लिए लड़े। ऐसे महापुरुषों का सम्मान नहीं होगा, ऐसे महापुरुषों की जयंती नहीं होगी तो किसकी जयंती होगी। तो मैं इस माध्यम के मुखार से बोल रहा हूं, मैं शरणु जी को ये चैलेंज करता हूं, मैं ये जयंती मैं खुद करने वाला हूं। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो रोक के दिखाना बोल के मैं बोलता हूं। आइंदा से ऐसा हमारे बसो कल्याण के लोगों में दरार पैदा करके राजनीति करने का कोशिश मत करो। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, आपको सियासत ही करना है तो मेरिट पे करो, डेवलपमेंट पे करो, या आपस में झगड़े लगा के आपस में दरार पैदा करके आप सियासत हाथ में लेने हम नहीं देंगे। इतने दो शब्द बोलता हूं।
समाप्त कर। सर इससे पहले एमएलए शार्दुल सलगर ने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को नीच जात बोल के बोला था, इसके बारे में आपका क्या कहना? इसके बारे में उसका जवान खींच लूंगा बोल के मैंने स्टेटमेंट दिया हूं, अब खींचूंगा। अरे वो कौन होता है? किसी एक कौन किसी को नहीं, वो जिम्मेदार पद पे था और मेरे हाथ बंधे हुए थे, नहीं तो मैं इमीडिएट स्ट्राइक को बैठता था। मैं आज बोल रहा उसको नीच मुसलमान दिखाता उसको, तभी मेरे हाथ बंधे हुए तो भी मैंने स्टेटमेंट दिया था। तो कोई किसी डरने का चिंता नहीं है, बसव कल्याणवासी शांति अमन रहेगी। ऐसे कितने आते जाते कि बाहर के लोग, तो हम बसव कल्याणवासियों को एक ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा बहुत भाईचारा बहुत है यहाँ पे, एक दूसरे हम बिजनेस में जुड़े हुए हैं और ये बिजनेस का हब है हमारा बसव कल्याण, ये क्या है? कोई राजनीति का अड्डा नहीं है। तो मैं हमारे बसव कल्याण की जनता को जागृत होने की मैं विनंती करता हूँ। सर ये इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं, यहाँ ना कहीं एक कम्युनिटी को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है जी, तो क्या ऐसा लगता है कि उस कम्युनिटी को डरा कर धमका कर कि दूसरी कम्युनिटी को एग्जैक्ट करने की कोशिश की जा रही है? तो इससे पहले भी क्या है नीच मुसलमान को बोल के क्या है स्टेटमेंट दिए थे, फिर अब टिबू सुल्तान को लेकर स्टेटमेंट दिए, ऐसे दूसरे कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने कभी कमेंट नहीं किया कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तो इसका क्या मतलब हो सकता है सर आपके साथ? इसका मतलब 100% उसने सियासत राजनीति कर रहा हो, हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश कर रहा है, इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं हिंदू भाइयों को जागो तुम। इसका सीधा सीधा अर्थ है हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करने का। तो पिछले जब से इलेक्शन होते हैं तब से लेके आज तक कोई एमएलए कैंडिडेट या कोई पॉलिटिकल इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया जो गांव के या फिर शहर के माहौल को खराब करे, इस तरह का स्टेटमेंट देना गाँव के माहौल को खराब करना इलेक्शन के करीब, ये किसको फायदा हो सकता है सर? देखिए इसका फायदा तो हम होने नहीं देंगे, फायदा होएगा बोल के ये सोच के उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसके लिए तो हम खंडन कर रहे हैं ना। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके लिए तो हम उसका खंडन कर रहे हैं। शर्नू सलगर जो स्टेटमेंट दिए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से, मेरे को एक बात ये बताओ आपके कर्नाटक गवर्नमेंट टीपू सुल्तान जयंती मनाना बोल के कानून पास करी जो है ना, क्या नहीं है? नहीं आप आवाज भी बोलो जरा मुझे। जिस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी नहीं अभी भी वो कानून है, सुल्तान जयंती हर ऑफिस के अंदर मनाई जाती है, तो अब इन मुसलमानों को चैलेंज नहीं कर रहे, अपने खुद की गवर्नमेंट को अपने खुद की हुकूमत को चैलेंज कर रहे, क्या बोलना क्या नहीं बोलना वो सोच नहीं है, बस नाचना गाना लोगों को जो है हिंदू मुस्लिम के नाम से डराना, ये सियासत यहाँ बसव कल्याण के अंदर नहीं चलती। यहाँ पर हर आदमी हर कास्ट के लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये वो जो स्टेटमेंट दिए है हम आपके जरिए ये बोलना चाहते हैं शर्नू सलगर को कि ये स्टेटमेंट वापस लेना और पूरे अवाम से माफी मांगना, नहीं तो कल हम इसके ताल्लुक से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने वाले हैं। यस और देंगे भी।